फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। और चावल के साथ खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। और सच मानिए फ्रेंड्स, इतना अच्छा लगेगा ना कि नॉनवेज खाना आप भूल जाएंगे। तो जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए है, और जो मशरूम पनीर खाते हैं उनके लिए भी है कि बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा सब्जी। तो आज मैं उसी की रेसिपी ले आई हूँ। तो ये देखिए, पत्ता गोभी को हम इस तरह से कट कर लिए हैं। तो ये देखिए, इस तरह काट लिए है ना। तो चलते हैं गैस की तरफ। और ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में हम पानी रखे हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। और इसमें अब हम ये जो है ना पत्ता गोभी को काटे हैं, इसको हम डाल देंगे। गैस को बंद कर देते हैं। इस तरह करने से क्या होगा, जो थोड़ा कीड़े उड़े होंगे तो निकल जाएंगे। फिलहाल हम देखे हैं अच्छी तरह से, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम 2 मिनट के लिए इसमें डिप करेंगे। तो 2 मिनट हो गया है, तो निकाल लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, गैस जलाकर कढ़ाई रख दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग, एकदम थोड़ा सा। तो बहुत तगड़ा हींग है मेरा, तो बहुत ज़रा से डाले हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा फ्रेंड्स। और इसमें अब हम डालेंगे ये जो पत्ता गोभी है ना, तो इसको हम फ्राई करेंगे। और इसको पलट लेंगे इस तरह से। फ्राई हो चुका है तो निकाल लेते हैं। और ये देखिए, सारा हम फ्राई कर चुके हैं। अब इसमें हम कढ़ाई में हम डाल दिए हैं तेल सरसों का। अभी कुछ खड़े मसाले हैं, तो तेज पत्ता डालेंगे। और ये सब दालचीनी है, जीरा है, सब हम डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेट हुआ लहसुन। तो ये 10-12 कलियां हैं, थोड़ा ज़्यादा ही है, अच्छा लगता है ज़्यादा रहता है तो। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, और 2 हरा मिर्चा है कटा हुआ। अब कुछ अच्छी तरह इसे थोड़ा देर हम भुनेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हुआ है। तो अब जाकर हम डालेंगे 2 टमाटर की, ये ग्राइंड नहीं किए हैं, कद्दूकस पे कस कर डाल रहे हैं। आप इसी तरह करके डालिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, टेस्ट आएगा। तो फिलहाल हम बारीक वाले ग्राइंड कद्दूकस पे कसे हैं। तो 3 टमाटर था फ्रेंड्स, जो अच्छी तरह से हम कस लिए थे कद्दूकस पे, डाल दिए हैं इसको। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्चा, गरम मसाला 2 चम्मच। ये घर का मसाला डाल रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू आती है घर के मसालों में। तो आप बाहर का भी डाल सकते हैं, तो हम वही डाल रहे हैं। जो घर का मसाला होता है ना, इतनी अच्छा, मतलब जैसे ही डालो ना, इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है। तो इसकी भी वीडियो हम डाल चुके हैं फ्रेंड्स, मसाला कैसे बनाना है। तो ये बहुत घर वही हम डाले हैं मसाला, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और देख, ये हम डाल रहे हैं छड़ीला। तो इसको हमारे यहाँ छड़ीला बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो इसको डालने से क्या होता है, सब्ज़ी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बस हम वही डाल रहे हैं, खूब अच्छा सा महक आएगा बनेगा। तो मसाले में भी हम इसको पीसे हुए थे, लेकिन जब ऊपर से थोड़ा सा डाल दो ना खड़ा, तो और अच्छा खुशबू आने लगता है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें बेसन 2 चम्मच, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसको ज़रूर डालिए। इसको हम डाल कर इसमें थोड़ा 2 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। अब बहुत अच्छी तरह से भून चुका है मसाला, इसमें हम डालेंगे पानी। एक गिलास डाल दिए हैं,
अब इस पर हम लिड लगा देंगे कि अच्छी तरह ग्रेवी पक जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी कितनी अच्छी तैयार हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी है ना, इसको हम डाल देंगे। सब डाल दिए हैं तो इसी तरह हम पकने देंगे। इस तरह ढक देंगे और थोड़ा देर पकने देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, बीच में एक दो बार चलाए थे, देखे थे, अच्छी तरह से गल गया है, बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। इसमें हम धनिया पत्ती डाल देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, पत्ते गोभी का सब्जी कितना तैयार हो गया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना है फ्रेंड्स। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, चावल के साथ खाएंगे ना तो बहुत आपको पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है, पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।